कांग्रेस सांसद आज संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास धरना देंगे। सांसदों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है। भारी हंगामे के बाद शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने स्टॉक क्रैश को अमृतकाल में महाघोटाला बताया। खड़गे ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की योजना रिपोर्टिंग की मांग की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, आज कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने जा रही है, तो क्या कुछ इनकी मांगे हैं धरने को लेकर और क्या-क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, अडानी ग्रुप के जो शेयर गिरे हैं मार्केट में, और उसकी वजह से अडानी ग्रुप में जो शेयर लगाए गए थे LIC और SBI के, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से आज देश भर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। देश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होगा। जहां तक बात करें राजधानी जयपुर की या राजस्थान की, तो राजधानी जयपुर में LIC का जो ऑफिस है कंपेटिटिव सर्किल पर, वहां पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा जिला हेडक्वार्टर है, वहां पर भी धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम रखे गए हैं। और खासतौर पर इस पूरे जो प्रकरण की जाँच है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और संसद में भी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है, और उसी के मद्देनजर आज देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरी पूर्ति। जी दशरथ, इसी के साथ में इस मामले पर खड़गे ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की रोजाना रिपोर्टिंग की भी मांग की है। इस पर क्या जानकारी है? देखिए, शुक्रवार को पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये मामला उठाया गया था, और कहा गया था कि दोनों सदनों की ज्वाइंट कमेटी है वो इस मामले को गंभीरता से ले और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की जांच हो कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है या किस स्तर पर ये घोटाला हुआ है। इस तरह की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई थी, और सरकार की चुप्पी पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है। उसी के मद्देनजर आदेश पर में प्रदर्शन होंगे। जी दशरथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।